देश भर में 3,13,000 साझा सेवा केंद्रों यानी CSC के जरिए असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए घोषित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत हो चुकी है। योजना अपनाने वाले कामगारों को 60 साल की आयु के बाद 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके लिए कामगारों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। इसके तहत असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 साल की आयु के कामगार योजना को अपनाने के हकदार होंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने अंतरिम बजट 2019-20 में इस महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की थी। इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आयु वर्ग के अनुसार श्रमिकों से हर महीने 55 से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान लिया जाएगा। ये भी शर्त रहेगी कि संबंधित श्रमिक की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम को बनाया गया है। LIC अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से योजना का प्रचार प्रसार करने के साथ ही बैंकों से समन्वय स्थापित करेगी। इस पेंशन योजना में फुटपाथ या ठेला लगाकर सामान बेचने वाले रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, खेतिहर मजदूर, ईंट भट्ठों पर काम करने वाले मजदूर, सभी तरह के निर्माण कार्यों में लगे श्रमिक, कबाड़ का काम करने वाले, बुनकर, कपड़े साफ करने वाले, टैक्सी या ऑटो चालक, समाचार पत्र बेचने वाले हॉकर समेत कुल लगभग 150 श्रेणियों के श्रमिक शामिल होंगे। पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के इच्छुक असंगठित श्रमिकों को आधार कार्ड के अलावा बैंक में उनका अपना बचत उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर देना होगा, जिसकी धनराशि हरेक महीने श्रमिक के बैंक खाते से काटी जाएगी। उतनी ही धनराशि सरकार की ओर से पेंशन के लिए जमा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।